नमस्कार दर्शक मित्रों, द मनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ की अतुल में रेल पलटने की घटना को वापस दोहराया गया। उमरगांव में घटना के चलते पुलिस ने जांच शुरू की। वलसाड़ के कुंडी की गोल्डन कंपनी में लगी थी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के किलौनी नाका और झंडा चौक क्षेत्र में जहां तहां पार्किंग से लोग रहे परेशान। अब समाचार विस्तार से। उमरगांव के पास अतुल रेलवे पटरी की घटना दोहराई गई। वलसाड़ जिला पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई। वलसाड़ जिले के उमरगांव के पास अतुल में ट्रेन पलटने के प्रयास जैसी घटना का हुआ पुनरावर्तन। रेलवे ट्रैक के पटरी पर पत्थर रखकर ट्रेन को पलटाने का प्रयास किया गया था। बांद्रा वापी ट्रेन की चपेट में पत्थर आ जाते ट्रेन के इंजन के गार्ड को काफी नुकसान पहुंचा था। घटना के चलते रेलवे के अधिकारीगण एवं वलसाड़ जिला पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी और जांच शुरू की थी। वलसाड़ जिले में 3 महीनों में ये दूसरी घटना घटित होते पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर कार्यवाही शुरू की है। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन अंतर्गत भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फरवरी महीने में ही वलसाड़ के अतुल के पास इस तरह की घटना प्रकाश में आई थी। फिलहाल तो उमरगांव की रेल पलटने के प्रयास को लेकर घटना को लेकर पुलिस द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है। वलसाड़ के कुंडी हाईवे पर आई गोल्डन कंपनी में लगी थी भीषण आग। वलसाड़ तहसील के कुंडी हाईवे के ओवरब्रिज के पास आई कंपनी गोल्डन केमिकल में आग लगती भगदड़ मच गई थी। आग पर काबू पाने के लिए वलसाड़ और अतुल कंपनी के फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचे थे और 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। वलसाड़ तहसील के कुंडी ओवरब्रिज हाईवे के ऊपर आई हुई गोल्डन केमिकल नामक कंपनी शरद भाई पटेल चलाते हैं। इस कंपनी में से 8 महीने पहले ही ड्रग्स पकड़ा गया था, जिसको लेकर समग्र गुजरात में सनसनी मच गई थी। कंपनी में से करोड़ों रुपये का ड्रग्स पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कंपनी को सील कर दिया था और पिछले 8 महीनों से कंपनी बंद हालात में थी। तो शनिवार को अचानक कंपनी में आग लग जाती भगदड़ मच गई थी। आग ने धीरे धीरे भयावह स्वरूप ले लेते पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई थी। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया था, पर आग काबू में नहीं आते स्थानिकों ने वलसाड़ फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया था। फायर की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने का प्रयास किया था, पर आग ने भयावह स्वरूप ले लेते अन्य फायर ब्रिगेड को भी बुलाना पड़ा था। उसके बाद 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। इस आग की घटना के चलते कंपनी संचालकों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, पर फिलहाल तो आग किस वजह से लगी उसकी वजह पता नहीं चल पाई है। ये कंपनी पिछले 8 महीनों से बंद पड़ी हो, आग लगते ही कंपनी का सभी सामान जलकर खाक हो गया था। फिलहाल तो डुंगरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और शिकायत के आधार पर आगे की जांच शुरू की है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के किलवणी नाका और झंडा चौक क्षेत्र में जगह जगह पार्किंग से लोग हो रहे हैं परेशान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के किलवणी नाका और झंडा चौक मार्ग पर ऐसे ही लोग गाड़ियों को पार्किंग करके चले जाते हो, अन्य लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर खरीदारी एवं काम से आते लोग मार्ग पर ही गाड़ी को खड़ी रख कर चले जाते हैं।
जिसकी वजह से आवाजाही कर रहे अन्य वाहन चालकों को काफी सारी परेशानियां भुगतनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बस स्टैंड मार्ग पर ऑटो रिक्शा और अन्य वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाया गया है, इसी तरीके से किलवणी नाका और झंडा चौक मार्ग पर भी वाहनों की पार्किंग पर प्रशासन द्वारा रोक लगाई जाए। किलवणी नाका मार्ग से लोग सब्जी मंडी, सिनेमा हॉल और झंडा चौक मार्ग से लोग आमली और शहर के अन्य हिस्सों में आवाजाही करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों स्थलों पर हमेशा ट्रैफिक की समस्या बनी रहती हो। समस्या के चलते प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाए, ऐसी लोग आवाज जोरों से उठ रही है। उमरगांव नगर पालिका भू माफियाओं के कब्जे में आई होने की उठी आवाज, गैरकानूनी बांधकाम और उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले को लेकर जांच हो, ऐसी उठी आवाज। उमरगांव नगर पालिका भू माफियाओं के कब्जे में आ गई हो, ऐसी जगह जगह पालिका क्षेत्रों में गैरकानूनी तौर पर बांधकाम हुआ हो, पालिका के सत्ताधीशों और अधिकारियों की मिलीभगत हो, ऐसे लोगों की आवाज उठ रही है। स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति को गैरकानूनी बांधकाम करना हो तो अधिकारी और सत्ताधीशों की मिलीभगत के बिना शक्य है ही नहीं, तो पालिका क्षेत्र में चलते ऐसे गैरकानूनी बांधकाम पर रोक लगनी आवश्यक है। और अगर रोक न लगी तो आने वाले दिनों में पालिका कोई पक्ष के अंडर में नहीं पर भूम माफियाओं द्वारा पालिका को चलाया जाएगा, ये दिन दूर नहीं है, ऐसी आवाज भी उठ रही हो। लोगों का कहना है कि पालिका क्षेत्र में होते ऐसे गैरकानूनी बांधकामों को लेकर अब उच्च अधिकारियों द्वारा जांच हो और भ्रष्टाचार पर रोक लगे वो आवश्यक है। माजी भाजप महामंत्री रहवासी उमरगाम, हवे उमरगाम नगरपालिका में मैं पहली अरजी करेली होती गैरकायदेसर बांधकाम माटे, जे तारीख 21/8/2021 ना रोज करेली होती अरजी। ये अरजी अनुसंधान में मने उमरगाम नगरपालिका श्री एक लेटर लखवामां आव्यो हतो 17/10/8, एमां मने लखवामां आव्यो हतो के प्लानना नकलनी ने बधी तमारे 400 रुपया भरवुं पड़शे। 400 रुपया भर्या पछी मने जे प्लानी नकलने बधुं आप्युं ए मैं जे मांगती हती एना बदले एमणे बाजूना सरनंबरनो प्लान अने बधी नकल आपी, एमां जे 11 माळनुं बांधकामनी परमिशन आपेली होय ए 11 माळना बांधकामनी परमिशनमां ठरावमां स्पष्ट लख्युं होय के CRJની NOC લાવ્યા પછી જ બાંધકામની પરમિશન નગરપાલિકા ઉમરગામ તરફથી આપવામાં આવશે। છતાં એ લોકો મને ગેરકાયદેસર બાંધકામમાં જે મને ગેરમાર્ગે દોર્યો તે પહેલાં મેં બીજી અરજી આપી, તારીખ 27/8 દિવસે મેં બીજી એક અરજી આપી કે તમે જે મને પ્લાનની નકલને જે આપી હોય જેનો સર્વે નંબર 263/1 અ પૈકી 2 પૈકી 1 છે, જ્યારે મેં જે માગણી કરેલી હતી એ સર્વે નંબર 210 અને જૂનો સર્વે નંબર 241માં સાદી દુકાનનું બાંધકામ થઈ રહ્યું છે સેલ સ્લેબવાળી, એનો મેં માંગ હતો એના અનુસંધાનમાં એમણે મને રખડા વ્યાજ કર્યો છે 1 મહિનાથી। એ પછી મેં છેલ્લે આ અત્યારે નવા ચીફ ઓફિસર શ્રી બારોટ સાહેબને 19/3/2022 એક અરજી બીજી આપી છે કે મેં આગળ પણ આટલી આટલી અરજી કરેલી હોય, મને હજુ સુધી બાંધકામની કોઈપણ જાતની માહિતી આપવામાં આવેલ નથી, તેમજ જગ્યા ઉપર કે કાયદેસર બાંધકામ પણ અટકાવવામાં આવેલ ના હોય જેની નકલ રવાના મેં કલેક્ટર શ્રી વલસાડને પણ કરેલ હોય। કલેક્ટર શ્રી વલસાડ તરફથી 23/3/2022 દિવસે ઉમરગામ નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર શ્રીને એક લેટર લખવામાં આવેલ હોય કે જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી ચીફ ઓફિસર ઉમરગામ નગરપાલિકા મોજે ઉમરગામ સિટી સર્વે નંબર 210માં મંજૂર કરવા તથા પ્લાનની નકલ આપવા બાબત જેને અરજદાર શ્રી તુલસીભાઈ ભંડારીને આગળની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરવામાં આવેલ હતી। ચીફ ઓફિસર શ્રીએ આજે 35 દિવસ થવા છતાં પણ મને કોઈપણ જાતની માહિતી પણ આપવામાં આવી નથી અને ત્યાં બાંધકામ પણ કોઈ જાતનું અટકાવવામાં આવેલ ન હોય, જે સદંતર ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોય પ્લાન વગર અને એ એગ્રીકલ્ચર જગ્યા હોય અને એ બીજાની જ જગ્યા હોય જેમાં મને એવું લાગી રહ્યું છે કે ભૂમાફિયાઓ જમીનનું ટોટલી દબાણ કરીને કોઈ પણ જગ્યામાં બાંધકામ કરીને વેચી નાખવું આ એ લોકોનો એક સ્પષ્ટ વલણ છે, અને જો આ રીતે જો ચાલતું રહ્યું તો ઉમરગામ નગરપાલિકામાં ભૂમાફિયાઓનું રાજ આવવામાં કોઈ વાર લાગવાની નથી। અને અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે એના અનુસંધાનમાં આ ભૂમાફિયાઓને આગળ પણ એકવાર સજા થઈ હતી જે ઘણા હોય જેમાં મને એવું લાગી રહ્યું છે કે ભૂમાફિયાઓ જમીનનું ટોટલી દબાણ કરીને કોઈ પણ જગ્યામાં બાંધકામ કરીને વેચી નાખવું આ એ લોકોનો એક સ્પષ્ટ વલણ છે, અને જો
આ રીતે જો ચાલતું રહ્યું તો ઉંબરગામ નગરપાલિકામાં ભૂમ અપાવવાનું રાજ આવવામાં કોઈ વાર લાગવાની નથી. અને અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે એના અનુસંધાનમાં આ ભૂમ અપાવવાને આગળ પણ એકવાર સજા થઈ હતી, જે ઘણા વર્ષો પહેલાં. હવે એ લોકો ભાજપ પાર્ટીમાં આવી ગયા હોય, કદાચ એમને સપોર્ટ મળશે એવું અનુસંધાનમાં, કદાચ એ લોકો ભાજપનો સહકાર લેવા માંગતા હોય, એ લોકો ભાજપમાં આવીને આ રીતે ભૂમ અપાવવાનું ચાલુ જ હોય. હવે 35 દિવસ છતાં પણ મને ગોલ ગોલ જવાબ આપવામાં આવે છે કે આપું છું, બાંધકામ અટકાવું છું. એમના ટાઉન પ્લાનિંગના એન્જિનિયર મને મુખ્ય એવો જવાબ આપે છે કે તો 11 માળનું આપેલું 263માં જ કામકાજ ચાલુ છે. જ્યારે મેં એમને સ્પષ્ટ નકશાનો પ્લાન સાથે આપ્યું છે કે તમે જે મને 263 સર્વેક્ષર નકશા આપ્યો છે એની બાજુમાં લાગીને 210 સર્વેક્ષર, એના પછી જે સંજાણ ઉંબરગામ ટાઉન રોડ આવ્યો છે એવી એક અરજી પણ આપેલો, છતાં એ લોકોને 210 સર્વે નંબર મળતો જ નથી કે એ કેવો. અને આ ચીફ ઓફિસર કામ નથી અટકાવતા અને કંઈ બી હોય તો એમાં એમનો શું આશય હોઈ શકે? કદાચ મેળ પેપરમાં તો ના હોય, જમીન દલાલ સાથે કે જમીનના ભૂમાફિયાઓ જોડે, એવું લાગે છે મને. હવે જોઉં છું સાહેબ કે આ અત્યારે કોઈ પગલાં નહીં લઈએ તો આવતીકાલે કલેક્ટર પાસે જઈને બેસું છું કે 35 દિવસ છતાં કોઈ આપવાનું નથી હોય, અને કલેક્ટરશ્રીને વિનંતી કરું કે હવે આ ભૂમાફિયાઓને કેવી રીતે તમે સંકેતમાં લેશો અને દબાણમાં રાખશો. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा में रैपर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाउंड्री में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा में नहर के पास आए हुए रैपर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की बाउंड्री में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने की जानकारी मिलती ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और शव का कब्जा लिया था। साथ ही जांच अधिकारी द्वारा कंपनी के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई है, जो कि ये शव 2 से 3 दिन पुराना हो। बदबू आते ही लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी, साथ ही ये शव के बारे में, ये शव किसका है, कंपनी वर्कर का है या फिर कोई अज्ञात व्यक्ति का है जिसे मारकर यहाँ पर फेंक दिया गया हो, जिसके बारे में फिलहाल तो पुलिस ने जांच शुरू की है। नानी दमन वैदिक डेंटल कॉलेज में पिछले 1 महीने से चल रहे सक्षम कार्यक्रम का हुआ समापन। नानी दमन दलवाड़ा स्थित डेंटल कॉलेज में 1 महीने के लिए सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव को मनाया गया, जिसका समापन शनिवार के रोज किया गया था। सक्षम अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में विविध स्पर्धाएं आयोजित की गई थी, जो दमन और संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में अलग अलग जगहों पर करीबन 10 जितने कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें पेट्रोल डीजल का संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो समापन के इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर एसपी भाई दमनिया, सेल्स मैनेजर विशाल भाई, रमेश भाई पामशी, डॉक्टर SS वेश्य और दिलीप भाई के साथ छात्रगण उपस्थित रहे थे। कोई ना कोई वे में हम लोग भाई करो, मेरा भाई मन रखो, मेरी गाड़ी मन रखो, उससे होगा कुछ? इसके लिए क्या चाहिए? टीम वर्क, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। सर बताए ना, बैग है ना फ्यूल बची, डीजल बची, ये क्या ऐसे प्रोग्राम है? HPCL, BPCL, IOC ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है ताकि जितना फ्यूल हम बचा सके। वो अभी बताया है, वो हम लोग को हमारी लाइफ में चेंजेस लाने की कैपेबिलिटी है हम लोग में। यस, वेरी गुड तानिया, तानिया के लिए क्या परफेक्ट काम करता है? सबका मतलब कैसे हो? पेट्रोलियम एंड कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री का एक बॉडी है और उस तहत हर एक वर्ग में, हर एक गांव में, हर एक देश में ऑयल कंपनीज इसको एजुकेट करती है, अवेयरनेस लाती है। तो इसे 11 तारीख, आपको पता है कौन सी ऑयल कंपनीज है? HPCL जो कि साफ है हमारे सेल्स ऑफिसर और हमारे डीलर्स, रूम में से निकले लाइट पंखा बंद करो,
करोड़ों लीटर पेट्रोल डीजल अपने रेड लाइट पे जल जाता है। जो हम बताएंगे आपको पता है कि अभी पेट्रोलियम की अरे कोयले की अछत है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की पूरे इंडिया में कट डाउन हो रहा है। दमन में भी वो समय आएगा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से काटेंगे बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन, इसीलिए वेंटिलेटरी फंक्शन के रूप में भी मना रहे हैं। तो आज के इस फंक्शन के उपलक्ष्य में हमारे मेडिक डेंटल कॉलेज के पद्मश्री डॉक्टर विश्वजी प्रेसिडेंट, हमारे HPCL के सेल्स ऑफिसर विशाल जी, मेरे मित्र रमेश भाई कामसी जी, दिलीप भाई जो कि पेट्रोलियम डीलर्स डीलर भी हैं, हमारे दीपक जी, केविन जी और मेरे प्यारे इंटर्न्स, सभी लोग ने बताया कि ये क्यों हम लोग आज यहाँ पे रहते हैं। पहले आज सक्षम 2022 की जो फंक्शन थे, आज उसकी समापन थी, इस साल के लिए वो समापन था, तो उसके फंक्शन थे ये। उपस्थिति कौन कौन थी यहाँ पे? हम लोगों ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो डेंटल कॉलेज दमन में किया है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट जो स्टूडेंट्स थे उनको पेट्रोल और डीजल जो ऑयल कंजर्वेशन के लिए जस्ट अवेयर करवाया था, जिसमें कि सभी लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। उपस्थिति में दमानिया श्री दमानिया जी थे, और वैश्य डॉक्टर वैश्य पद्मश्री डॉक्टर वैश्य थे। स्टूडेंट में स्टूडेंट्स करीब करीब 50 स्टूडेंट्स थे डेंटल कॉलेज के सभी स्टूडेंट। ये प्रोग्राम जो है वो दमन डेंटल कॉलेज में रखा गया था। ये कितने दिन का कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम करीब करीब एक महीने के लिए चला था, जो 11 अप्रैल को दमन में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और आज उसका समापन था इस साल के लिए 2022 के लिए। एक महीने में करीब करीब हम लोगों ने जो हम लोगों का दमन और सिलवासा में मिलाकर करीब करीब 10 प्रोग्राम हुए अलग अलग जगहों पर। ये चालू हुए थे दमन में ही स्टार्ट हुए थे, भीमपुरे स्कूल हाई स्कूल में स्टार्ट हुए थे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड की अतुल में रेल पलटने की घटना को वापस दोहराया गया, उमरगांव में घटना के चलते पुलिस ने जांच शुरू की। वलसाड के कुंडी की गोल्डन कंपनी में लगी थी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। संघ प्रदेश दादा नगर हवेली के किलौनी नाका और झंडा चौक क्षेत्र में जहां तहां पार्किंग से लोग रहे परेशान। तो ये तब तक के दमन न्यूज के समाचार, नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।